तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता था कि विप्रो के आज बोर्ड मीटिंग थी और कंपनी अपने क्वार्टर फोर रिजल्ट के साथ साथ कंपनी बायबैक के ऊपर भी कुछ डिसीजन लेने वाली थी। तो रिजल्ट तो आप सभी ने देख लिया होगा, तो मैं रिजल्ट के ऊपर नहीं जाता हूँ, मैं बस बायबैक का आपको बताता हूँ, बायबैक क्या कंपनी लेके आ रही है। तो फाइनली कंपनी की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट आई है। अनाउंसमेंट में ये आया कि कंपनी अपने जो 4.91% स्टेक है उसको वापस ले रही है, जो कि अगर इक्विटी शेयर के रूप में गिना जाए तो अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते 26,96,62,921 इक्विटी शेयर कंपनी वापस ले रही है। कितने प्राइस पे ले रही है, वो है 445 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से, जो कि बेसिकली क्या होगा, एक टेंडर ऑफर होगा। टेंडर ऑफर में आपको अप्लाई करना होगा। अगर आपके पास शेयर आएंगे, अभी कंपनी ने रिकॉर्ड डेट नहीं मेंशन किया है यहाँ पे, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में कंपनी एक रिकॉर्ड डेट भी आपको मेंशन करेगी। लेकिन याद रखिए, 445 रुपए पर शेयर के हिसाब से कंपनी टेंडर ऑफर करने जा रही है, और टेंडर ऑफर के थ्रू अगर आपके पास शेयर आएंगे तो आप उसमें अप्लाई करेंगे, और आपका एप्लीकेशन अगर एक्सेप्ट किया जाता है तो आपको 445 रुपए पर शेयर के हिसाब से आपके अकाउंट में वो क्रेडिट कर दी जाएगी। तो अब क्वेश्चन है कि ये क्या अच्छी बात है कि खराब बात है? तो देखिए, थोड़ा सा खराब तो ये भी कह सकते हैं कि बस कंपनी 4.91% स्टेक ले रही है, यानी कि 100 लोग अगर अप्लाई करेंगे तो मात्र 5 लोगों का एप्लीकेशन अप्रूव होगा। आप यही समझ लीजिए कितना बड़ा कंपटीशन होगा। अगर 100 लोग आप अप्लाई करते हैं, 100 लोग अप्लाई करते हैं तो मात्र 5 लोग का एप्लीकेशन अप्रूव होगा, तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा कंपटीशन होगा। तो अगर स्पेशली अगर आप बायबैक के लिए अगर आप शेयर को बाय करना चाहते हैं तो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा। क्या पता आप उस 5 लोग में नहीं आए, क्या पता आप 95 लोग में आए और शेयर का प्राइस निचले लेवल पे है, तो आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि बायबैक के बाद शेयर के अंदर तेजी नहीं आती है। विश्वास ना हो तो आप TCS को जाकर देख लीजिए, IEX को जाकर देख लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो मेरे हिसाब से अगर आप बायबैक के लिए बाय करते हैं तो अवॉइड कीजिए, दूसरे शेयर में घुस जाइए, वो अच्छा खासा रिटर्न बना के देगा। लेकिन बायबैक का जो अभी जो कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया है वो सारा कुछ मैंने बता दिया। बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।